बहुत दिनों का सपना था जो अभी सच हो रहा है। ये भैया। तो चलिए वीडियो का भी एंड करते हैं। अरे रुको रुको भाई, जाने की इतनी जल्दी ही क्या है, अभी तक वीडियो ठीक से शुरू भी नहीं हुआ। तो चलिए वीडियो को पहले से शुरू करते हैं। तो हाय मेरे सारे छोटे बड़े भाई, आप सभी को मेरा सलाम नमस्ते हेलो, दिस इज हासिब एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बाइक रेसिंग ब्लॉग। आई होप गाइस आज के वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। और ये जो MT हेलमेट है इसका समझ रहे हो, अरे कुछ तो समझा करो। तो ये जो MT हेलमेट है इसको आज मैं मेरे GoPro के साथ अटैच करने वाला हूँ और बनाने वाला हूँ एक मोटो व्लॉगिंग सेटअप। तो दोनों ड्रीम आज एक हो जाएंगे। ये जो GoPro है इसको माउंट करते हैं, ये रहा मेरा MT का हेलमेट। इसमें तो ये हेलमेट मैंने लिया था जब इसका भी एक वीडियो बनाया था। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आई बटन पे शो हो रहा होगा, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं वीडियो को। तो ये रहा मेरा जो MT का हेलमेट था और ये रहा मेरा MT का हेलमेट, जिसमें अभी यहाँ पर चिन पर माउंट होगा मेरा GoPro। और माउंट करने के लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट पहले से ही मंगाया था। तो ये रहा एक स्ट्रैप GoPro को मतलब माउंट करने के लिए एलिसन की तरफ से, ये रहा मैंने अमेजोन से ख़रीदा था। और ये जब GoPro लिया था ये अडैप्टर भी मैंने ले लिया था। और ये उलांजी केस भी पहले वीडियो पे भी आपको दिखाया, अगर आपने नहीं देखा तो आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। और ये जो माइक है ये भी अमेजोन से लिया था बहुत सालों पहले, सच में लिया था बहुत सालों पहले। तो आज ये सब एक साथ काम पे लगेगा। तो चलिए जो सेटअप है मोटो व्लॉगिंग उसको बनाते हैं और हेलमेट पर GoPro को मेरा। तो इसको खोलते हैं, पहले ये रहा स्ट्रैप। ये रहा इसका जो J हुक है, ये हुक। तो ये रहा जो टेलीसिन का स्टैप है, इससे मैं क्यों हेलमेट को माउंट करने वाला हूँ ये भी आपको बता देता हूँ। तो इस टेलीसिन के स्टैप के साथ ये एक जे हुक दिया गया है, यहाँ पर अटैच करके कैमरा में लगा सकता हूँ। एक ही चीज़ से पूरा काम 25 हो जाएगा। तो मैं M-Seal क्यों नहीं यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि M-Seal के वजह से मेरे हेलमेट को कुछ डैमेज भी हो सकता है और मतलब कुछ दिखने में भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा शायद, क्योंकि अगर MC एक बार लगा दिया मूव करने में भी मेरा हेलमेट को कुछ हो सकता है, इसीलिए मैं इसी को यूज़ करने वाला हूँ। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसको लगाता हूँ हेलमेट पे और उसके बाद आपको बताता हूँ। तो इसको यहाँ पर हेलमेट पे लगाऊंगा। तो एक बार खोल लेते वाइजर को और ये लगेगा यहाँ पर ऐसे। एक बार इसको मैं सही से लगा लेता हूँ उसके बाद। पहले मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया, ये रहा ऐसा दिख रहा है। और इसके ऊपर मैं ये जे जो माउंट है जे हुक इसको मैं लगा देता हूँ, इसको यहाँ से प्रेस करके ये लग गया जे हुक इस पर। और ये जो सेटअप है यहाँ पर रेडी हो चुका है। और अभी उलान जी केस है, ये रहा केस और ये एडाप्टर, ये रहा एडाप्टर और ये रहा मेन जो GoPro है। तो इसको इसके अंदर लगाने के लिए इसका जो साइड का ये क्लिप है इसको पहले खोल लेना पड़ता है। ये क्लिप खुल गया, ये जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर चला गया। और इस साइड से इसको लॉक कर देता हूँ, इसको इसके अंदर डालना पड़ेगा। इधर निकल गया और इसको इसके अंदर डाल देता हूँ। ये रहा कुछ ऐसा सेटअप होगा। तो फाइनली ये GoPro और ये अडेप्टर मैंने इसके अंदर लगा दिया। और अभी ये जो पीछे का बैक साइड का गार्ड है इसको मुझे लगाना पड़ेगा, तो इसको लगा देता हूँ पहले। ये मैंने इसको भी लॉक कर दिया इसके अंदर, जे हुक है इसके अंदर, मैं इसको लगाता हूँ पहले। अब देख लीजिए यहाँ पर मैं लगाकर आपको दिखाता हूँ। अभी ये हिल भी नहीं रहा है यहाँ पर, तो इसको अभी यहाँ पर जो ये माइक्रोफोन है इसको लगाना पड़ेगा मुझे। इसको ये हेलमेट के अंदर लगा देता हूँ और लगाकर
इसे जॉइंट कर देता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ ये कैसा लग रहा है। तो फाइनली ये जो सेटअप ये कंप्लीट मैंने कर दिया और ये जो माइक्रोफोन आप शायद दिख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो माइक्रोफोन इधर लगा हुआ है और ये रहा, ये माइक्रोफोन इधर लगा है और इसके अंदर से मैंने सेटअप कर दिया। और अभी इसको पहन के एक बार देखते हैं तो टेज भी कैसे आ रहा है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो भाई साहब कम 25 से 38 हज़ार का GoPro, 70 हज़ार के बाइक और 30 रुपये के चप्पल में इससे ज़्यादा स्वैग हुगली के रास्तों में आपको और मैं नहीं दे सकता। तो फाइनली अभी जो आप फुटेज देख रहे हैं वो मेरे GoPro से शूट हो रहा है। ये जो है यहाँ का लोकल रोड है और बहुत कुछ देख सकते हैं। ये रहा एक बकरी, वे रहा एक बटरफ्लाई सामने से जा रहा है और फुटेज कैसा आ रहा है आप शायद देख पा रहे हैं। और अभी यहाँ से जाएंगे हाईवे के साइड पे और देखते उधर और वहाँ पर भी इसको एक बार टेस्ट करेंगे, देखेंगे कैसे फुटेज आ रहे हैं और कैसे पिक्चर क्वालिटी है। 1080p से अभी शूट हो रहा है और क्योंकि जो 2.7 के मेरे फ़ोन पे जब एडिटिंग करने जा रहा हूँ तब सपोर्ट नहीं ले रहा है, इसलिए मैं अभी 1080p पे ही शूट कर रहा हूँ यहाँ पर से। तो आगे जाते हैं और कैसा फुटेज आ रहा है वो मुझे अभी तक पता नहीं है और वॉइस भी कैसा आ रहा है वो मुझे पता नहीं चल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, जब एडिटिंग करेंगे तब पता चलेगा कि इसका जो फुटेज है ये कैसा आ रहा है। और ये देखो अटलांटिक महासागर आ गए इधर और के साइड से निकलते हुए हम। तो अभी जो हाईवे के साइड वो दिख रहा है वहाँ पर उधर ही जाना है हम लोगों को साइड से। जो यहाँ का जो थोड़ा सा आगे का जो व्यू है बहुत अच्छा व्यू आता है इधर से। तो देखते हैं ये जो सारे बैठे हैं आप इधर देख पा रहे हैं, ये लोग सब खेती पे काम कर रहे थे, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। ओके। और ये रहा एक ब्रिज जो बहुत ही अच्छा दिखने में लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम है हाईवे के साइड में और ये रहा एक बड़ा सा डंपर जिसको इधर डंपर बोलते हैं, बाहर क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। तो अभी ये जो बाइक है ये भी मेरा बाइक नहीं है, अभी तक मेरे पास कोई मेरे खुद का बाइक नहीं, ये मेरे भैया का बाइक है जो मैंने अभी उठा के लाया वीडियो शूट करने के लिए। और ये रहा NH2 हाईवे और उसके साइड से हम जा रहे हैं और फुटेज कैसा आ रहा है और साउंड कैसा आ रहा है वो आपको पता चल रहा है और मुझे पता चलेगा जब मैं फुटेज को एडिट करने के लिए बैठूँगा। तो देखते हैं क्या होता है और अभी की थोड़ी देर बाद ही मैं घर जाऊंगा और शायद आपको मज़ा आ रहा है तो आप फुटेज इंजॉय कीजिए। आपको अच्छा लगा होगा। तो फाइनली वीडियो को अभी यहीं पर एंड करते हैं। क्लोज योर आई, सी योर ड्रीम, प्ले योर गेम, विन योर फेम, बूम।